हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मंशास कुकिंग किचन में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ चकली, बिल्कुल न्यू तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी ये चकली हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है एक छोटी कटोरी अजवाइन, नमक ले रखा है मैंने, आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ले रखा है थोड़ा सा तीखापन आने के लिए। अगर आपको ये नहीं भी चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चावल का आटा ले रखा है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सूजी ले रखा है 1 कप और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले रखा है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लेंगे, कढ़ाई को रख देंगे हम यहाँ पे, कढ़ाई को पहले गर्म होने देंगे अच्छे से। तो कढ़ाई हमारे यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल देती हूँ। पानी को पहले अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे पानी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ, अजवाइन डाल देंगे, इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि इसका जो स्वाद है वो और अच्छे से आएगा। इसलिए डालने से पहले इसको अच्छे से हाथों से क्रश कर लें। उसके बाद मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, तिल डाल देंगे इसके अंदर और सूजी डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर मिक्स करते हुए सूजी डाल दूंगी। हिलाते रहिए, अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे। अब मैं इसके अंदर गर्मा गर्म घी डाल देती हूँ। आप यह तो घी भी डाल सकते हो या फिर नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हो इसके अंदर, पर घी डालने से इसके अंदर स्वाद और अच्छा आता है। चावल का आटा डाल देंगे इसके अंदर। अब मैं गैस को लो फ्लेम पे रख दूंगी और इसके अंदर 1 बड़ी कटोरी तो अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर लेती हूँ। अब ठंडा होने के बाद इसको गूंद लेंगे अच्छे से। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। कुछ हाथों से इस तरह हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे हम इसको गूंद लेंगे। अगर आपका डो ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पानी भी लगा के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना सकते हैं, नॉर्मल पानी यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चकली बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह का बर्तन इस्तेमाल किया है इसको बनाने के लिए। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैंने कुछ इस तरह से स्टार डिज़ाइन वाला लिया है, अक्सर चकली इसी डिज़ाइन से बनाई जाती है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, तेल लगा देंगे इसके अंदर। अब हम एक डो निकाल लेंगे। इस
इसके अंदर डो को अच्छे से डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डो को इसको अच्छे से भर दिया है इसके अंदर। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। साइड में हमने यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है पैन में। अब हम चकली इसमें से गिराना शुरू कर देंगे। और ये देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम में रख के। तो तेल भी यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, चकली भी हमने बना के रेडी कर लिए है अच्छे से, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम चकलियों को गैस लो फ्लेम पे ही रखकर फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको दूसरे इसमें डाल रहे हैं ताकि जो सारा तेल है वो नीचे घुस जाए। और ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं बाहर से ही आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और देखिए कहीं पे भी टूट नहीं रहा है, कितना अच्छा सा हमारा डो बन के रेडी हो गया था। अब हम इसको भी दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ इसी प्रकार हम दूसरे चकली भी ऐसे ही बना के रेडी कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे चकली बन के यहाँ पे रेडी हो गई है। दोस्तों आप लोग हमेशा ये मिस्टेक कर देते हो कि जैसे ही डाल देते हो वैसे ही इसको हिलाना शुरू कर देते हो, तो आपको वैसा नहीं करना है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने के तुरंत बाद आपको इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए ऐसे ही रख देना है, उसके बाद में आप इसको मिक्स कर दीजिएगा ऐसे ही। जब ये देखिए ये हमारे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको भी दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा चकली बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। घर में जो सामान होते हैं बिल्कुल उन्हीं से बनाया है कि इतना टेस्टी और क्रिस्पी, तो वो अलग से स्वाद में तो पूछो ही मत। अगर आपके घर में कभी भी अचानक से रिलेटिव्स आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो जल्दी से आप इसको बना के खिला सकते हैं। कितनी क्रिस्पी होती है ये, अगर आप एक बार बना के ट्राई करेंगे तो आपको सच में बहुत पसंद आएगा ये। और घर के ही अवेलेबल चीज़ों से मैंने ये चकली बनाया है। सूजी तो सबके घर में होता है। और अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी न्यू रेसिपी के साथ में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ में। मिलते हैं एक और ऐसी न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए खाते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।